इस क्लास में हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ेंगे। एक ही मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग इस बार कंडेंसेशन के लिए। तो ये मान लीजिए हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल लिया, बेस ले लिया। बेस का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। और एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकालेंगे, उसी से अटैक भी दूसरे पे करेंगे, ठीक है ना। अभी तक दो मॉलिक्यूल लेते थे लेकिन अभी एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक। तो देखिए ना, ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक हैं, ये वाले और ये वाले, तो दोनों तो यहाँ पे आइडेंटिकल ही हैं, है ना। किधर से भी आप अटैक करो ये, तो मान लीजिए ऐसा हो जाएगा ना, पहले बेस आएगा तो पहले के बाद देखिए कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये इस पे माइनस आ गया, एच प्लस निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। बेस आया, उसने एच प्लस निकाल लिया, ये इस पे अटैक कर रहा है और ये यहाँ से निकल जा रहा है लिविंग ग्रुप में। तो देखिए कितने की रिंग बन गई, एक, कितने की रिंग बनी, देखिए एक दो तीन और ये चार, कितने की बनी, एक दो तीन चार, ठीक है ना। तो मतलब कुछ ऐसा बन रहा है, ये बन गया। अभी भी देखिए ये क्या है, बीटा अल्फा बीटा पे क्या है, बीटा कीटो एस्टर है ना, ये अल्फा बीटा पे कीटो है। तो अभी क्या बना, बीटा कीटो एस्टर फिर बना, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, बताइए क्या होगा। ये निकल जाएगा है ना, एसिड बन जाएगा, तो कैसा बन जाएगा, OH प्लस CH3 OH ऐसा हो जाएगा। फिर हीट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा। तो अगर CO2 हीट करने पे निकल गया तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, ये बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लेजन था। अभी तो दोनों साइड लिविंग को इक्वल थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, किधर से भी निकाल के अटैक कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिविंग ग्रुप डिफरेंट लेंगे। तो बताओ तो मैं कैसे करेंगे, ये समझ में आया। पहले स्टेप में ये इस पर टेक किया तो चार कार्बन की रिंग बनी, कैसे, एक दो तीन और ये चार हो गया। बीटा कीटो एस्टर हुआ, हाइड्रोलिसिस की, एस्टर उड़ गया, हीट किया, बीटा कीटो एसिड में हीट करने पे क्या होता है, CO2 निकल जाता है, ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब दिखाता हूँ मैं सॉल्व करके आपको, ये क्वेश्चन और देखते हैं। अगर ऐसा ले लिया हम लोगों ने, मान लिया ठीक है ना, फिर हम लोगों ने ले लिया पहला बेस, ले लिया हम लोगों ने एक, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया बताइए, हाइड्रोलिसिस कर दी, और फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, ठीक है। बेस ले लिया हम लोगों ने CH3O-। अब देखिए पहले वही होगा ना कि वीक बेस और बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा कैसे निकलेगा, CH3CH2O-, और ये कैसे निकलेगा, CH3CO-, तो वीक बेस कौन सा, CH3O-, तो वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा। तो इधर से न्यूक्लियोफाइल बनेगा और इस पर अटैक करेगा, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार लिविंग ग्रुप ये निकल रहा है, एक बार लिविंग ग्रुप ये निकल रहा है, तो कौन सा निकालना है अपने को, जो वीक बेस और बेटर लिविंग ग्रुप।
तो ये वीक बेस है, ये वीक बेस है। ये वीक बेस क्यों है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन को एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, यहाँ ऑक्सीजन को दो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर की इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी बताइए? दो साइड्स दो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई ना। आपको रूल पता है कि वीक बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये वाले वीक बेस हो गए, तो इन पे अटैक होगा और ये छोड़ के जाएंगे। तो करते हैं हम लोग फिर बनाता हूँ मैं, तो बताइए ये माइनस हो तो होगा ना, ठीक है, और ये वी वैसे तो ये निकलेगा। अब कितने का बन गया? एक दो तीन चार पाँच की रिंग बनी ना, एक दो तीन चार पाँच की रिंग बन गई। तो पहले के स्टेप के बाद तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, पाँच की रिंग बन गई, ऐसे पाँच की रिंग बना लीजिए। और देखिए अगल बगल है ना, वो यहाँ पे एस्टर और सी के बगल में सी डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे बना लीजिए। वैसे भी सीधे बना लिया करिए, आपको तो पता है ना कि बीटा की तो एस्टर बनता है, अब तो आदत हो गई होगी ऐसे बनाने की आपको। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर क्या होगा, यह हट जाएगा एसिड प्लस एल्कोहल। तो ये ओ एच, ये डबल वन टू, और वहाँ क्या हो जाएगा, तो ये CH3 CH2 ओ एच हो जाएगा। अब ये बीटा कीटो एसिड, ये बीटा कीटो एस्टर बना था, ये बीटा कीटो एस्टर बना था आपको, ये क्या बना बताइए? बीटा कीटो एसिड बना। अब इसको अब हीट करोगे ना, हीट करोगे तो क्या होगा, CO2 निकल जाएगा, हीट करने से CO2 निकल जाता है, तो कैसा बन गया? ठीक है, क्लियर ना? ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, कोशिश करते हैं क्लेजन और एल्डोल को मिलाने की। एक क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं अभी आपके सामने, उसमें क्लेजन और एल्डोल मिला देंगे दोनों, ठीक है? देखिए मैं करता हूँ, मैं सिखाता हूँ आपको, एक मस्त क्वेश्चन बनाता है। तो देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, ये उन लोगों को मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है? तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने ले लिया CH3O-, फिर हम लोगों ने कर दिया क्या, हाइड्रोलिसिस करी, फिर हम लोगों ने हीट किया, तो वो ए बना, ठीक है ना? फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, अभी ए बन गया, फिर हम लोगों ने दो ए ले लिए और OH- लेके आए, ठीक है ना? दो ले गया है और OH- ले लिया, तो हमारा बी बन गया, ठीक है ना? फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें एच बी आर लेके आ रहे हैं, क्या हो गया, सी बन गया। तो हमें ए बी सी सब बताना है, ठीक है ना? दो ए लिया OH- वो बी बन गया, और फिर एच बी आर ले आए सी बन गया, ठीक है?
और फिर क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH लाते हैं, तो ये हमारा डी बन गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। OH माइनस ले गया है, फिर HBr ले गया है, फिर एल्कोहलिक KOH ले गया। इसमें हो सकता है इन दोनों का आपका फंक्शन नहीं पता, तो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, ये तो पता है कि पहले क्लीजन करते हैं, फिर OH माइनस आता है, तो देखते हैं क्या होता है, फिर HBr और फिर एल्कोहलिक KOH। मैं यहाँ लिख दूँ क्योंकि मिटाऊंगा तो फिर मुझे भी याद रहना चाहिए क्वेश्चन क्या था। अभी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है एल्कोहलिक KOH। ठीक है, ये तीन चीज़ें ली हैं, तो अभी हटाता हूँ इसे। तो देखो पहले क्या हुआ ना, पहले तो सीखा हम लोगों ने कि अभी तो सीख लिया है ना अच्छे से कि एक न्यूक्लियोफाइल बनता है, दूसरे पर अटैक करता है, तो CH3 ये क्या है, OCH3 है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इस पर अटैक किया, यहाँ से निकल गया, तो कितने के बन गए बोलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये जुड़ गया 5, है ना। तो पहले स्टेप के बाद देखो कुछ ऐसा बना ना, अब मैं सारे स्टेप नहीं दिखा रहा, अब तो समझ रहे हो ना कि एट द एंड क्या होगा, ये उड़ जाएगा, ये पूरा उड़ जाएगा और क्या बन जाएगा। तो ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है ना क्या बनेगा, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बन गया, ठीक है ना, ये तो यही बनेगा ना, अब ये पूरा उड़ जाएगा। ये पता है जब तुम तो सामने नहीं रहते हो ना, तो अजीब सा जैसे सामने होते हैं ना, ये थोड़ा मैं मिस करता हूँ कि जैसे मेरे सामने जिनको मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो उनसे मस्त बातें करता हूँ, पूछता रहता हूँ, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये कैसे गया, ये कैसे गया। अभी थोड़ा सा होता है ना कि ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। तो अब कर क्या रहे हैं देखो, कि पहले तो देखो इतना बन गया बीटा की रजिस्टर, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COH हो गया और CH3OH हो गया, बीटा कीटो एसिड बन गया, हीट कर दोगे फिर तो CO2 निकल जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, पहले भी कर रहे थे, ए बन गया अपने पास। ठीक है ना, अब पता है 2A लिया, तो ये वाली रिएक्शन तो सीखी है ना पहले बार बार, अब तो ये एल्डोल हो जाएगा ना, अल्फा हाइड्रोजन है, इसको 2 को OH- से रिएक्ट करवा रहे हो आप, तो एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, दूसरे पर अटैक कर देगा, तो कैसा होगा देखो, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, दिखाता हूँ मैं, कुछ ऐसा होगा ना कि ये आया, ये इस पर अटैक कर देगा और ये इस पर चला गया, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा देख लो। OH ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको हीट भी करना है अपने को, हीट करेंगे, अगर हीट नहीं कर रहे हो आप, अच्छा मान लो सीधा छोड़ दिया, फिर HBr आ रहा है, मान लो हीट नहीं किया है, उसके बाद HBr आ रहा है, ये तो बन गया पहले एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। अब देखो HBr आएगा तो H+ क्या होगा, H+ वहाँ जाएगा जहाँ पे उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ अच्छे से मिल जाएगा, कभी भी ऐसा केस हो ना सिंगल बॉन्ड से वो हो, डबल बॉन्ड से वो हो और H+ आ रहा है, तो हमेशा जहाँ पे सिंगल बॉन्ड से वो है ना वहाँ पे जाके H+ लगा देना, ठीक है ना, कभी भी ऐसा है। अब अभी इसके साथ HBr आया, अभी देखो HBr आया तो H+ जाके यहाँ लग गया, तो देखो कैसा बन गया, OH2+। मस्त क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने अभी, है ना, तो OH2+ हो गया, तो ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड बन गए, तो वाटर निकलेगा, है ना, तीन बॉन्ड होंगे ना, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो देखो ऐसा बन जाएगा, तो देखो ये प्लस आ गया।
देख रहे हो ना, यहां से निकाल दिया प्लस हो गया। अब अगर कभी भी पांच पांच कार्बन की रिंग है और अगर छह कार्बन की बन सकती है रिंग एक्सपेंशन से, तो क्या करेंगे हम लोग, बना देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस है। अब देखो ये तुम्हें तो डाउट आ रहा होगा कि इसे तोड़ेंगे तो वहाँ पे प्लस आएगा, तो वो हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन रिंग बढ़ रही तो बना बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि देखो तो अभी पाँच की है, पाँच की बढ़ा के हम लोग छः की कर सकते हैं। तो कैसे बढ़ा देंगे बताओ, अब जैसे अगर तुम ऐसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ के ले आते, इसको तोड़े इधर लाए तो इस पर प्लस आएगा, और ऐसे तोड़ के लाओगे और इसको ऐसे तोड़ के ले आए, ऐसे जोड़ दिया तो उस पर प्लस आया, है ना। ऐसे तो ज़्यादा पास में हो गए, प्लस कैसे आया, देखो ना, अगर तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो, इसको तोड़ के यहाँ पे लगा दे रहे हो, तो जस्ट इसके पास में प्लस आ रहा है। लेकिन अगर तुम इसको तोड़ के इसके साथ लगा दे रहे हो तो इस पर प्लस आ रहा है। जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे, ये इधर ले आए तोड़ के, ये वाला इधर तोड़ के ला रहा है, तो कैसा हो जाएगा देखो, रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसको तोड़ के इधर ले आए, तो देखिए ये ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे इसको तोड़ के इधर ला रहे हैं, ठीक है। अब मैं बना के दिखाता हूँ कैसा बन जाएगा। इस पे प्लस आ गया, देखिए ये बन गया, मस्त सा क्वेश्चन बना लिया था हम लोगों ने, है ना, अभी बनाया हम लोगों ने ये क्वेश्चन और बहुत अच्छा सा बन गया। तो अब इस पे प्लस आ गया, उससे दूर है। अब अगले स्टेप में क्या आ रहा है बताओ, बी आर माइनस आ रहा है, तो बी आर माइनस आएगा तो यहाँ आके बी आर लग गया, तो कैसा बन गया देखो, ये हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या आ रहा है, एल्कोहलिक KOH आ रहा है। तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा बताओ, एल्कोहलिक KOH करता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब एच और बी आर निकाल देता है, एंटी एल्विनेशन करता है ना, एच बी आर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, एल्कोहलिक KOH डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है। तो बी आर निकालना और एच निकालना है, तो यहाँ पे तो देखो नहीं निकलेगा, यहाँ पे एच है ही नहीं, तो ई की ऑप्शन है, तो यहाँ से निकाल दिया, तो देखो कैसा बन गया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। मजा आया ना, देखो क्या क्या किया, क्लेजन कर दिया उसी में, उसी क्वेश्चन में एल्डोल कर दिया, उसी क्वेश्चन में रिंग एक्सपेंशन कर दिया, एच बी आर एड कर दिया, और उसी में डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कर दिया, एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें कर डाली हम लोगों ने, ठीक है। और सबसे खास बात थी कि ये क्वेश्चन क्लास में अभी हम लोगों ने बनाया और अभी सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक बार फिर से देख लो, ये क्लेजन, फिर यहाँ के बाद एल्डोल, एच बी आर आया, वाटर निकाला, रिंग बढ़ा दी, फिर बी आर यहाँ लगाया, एल्कोहलिक KOH किया, तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन किया। तो बहुत मज़ा आया, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे आगे की क्लासेस में और हम लोग रिएक्शन सीखेंगे।